आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी एकदम नरम जलीदार साउथ की फेमस अपम की रेसिपी, जिसे आप डोसा भी बोल सकते हैं। बिना तेल, बिना बटर, बिना घी के आप ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये रूल जैसी नरम, खाने में इतनी टेस्टी कि आप सुबह सुबह नाश्ते के रोज यही बनाना पसंद करेंगे। साथ ही बताऊंगी नारियल के एकदम मजेदार चटनी, जो कि अपम के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आप सभी को स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आते प्लीज मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम हल्के फुलके जलीदार सूजी के अपम बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ ताजी नारियल की चटनी। तो यहाँ पर मैंने ली है ताजी नारियल, इसे हम पीस में छोटे छोटे कट कर ली है। यदि आपके पास ताजी नारियल ना हो तो यहाँ पर आप सूखी नारियल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर लेंगे रोस्टेड मूंगफली, इसे रोस्ट करके हम छिलका हटा ली है। अब मैं ले रही हूँ भुनी हुई चना, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। रोस्टेड चने से क्या होता है, चटनी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, साथ ही उसको गढ़ापन देता है। चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी फ्रेश कटी हुई नारियल, साथ ही रोस्टेड 2 बड़ी चम्मच मूंगफली ऐड कर देंगे, 2 बड़ी चम्मच भुनी हुई चना ऐड कर देंगे। तो जितना हम मूंगफली लिए हैं उतने हम चना लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर खाली मूंगफली डाल लीजिए, चाहे तो खाली चना डाल लीजिए, जो सुविधा है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। दोनों डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया चटनी में टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हरी मिर्च कर सकती हैं। अब इसे इस तरह से हम तोड़ के डाल दूंगी, आसानी से पीस जाएगी। 1/2 इंच अदरक के टुकड़े इस तरह से छोटे छोटे पीस में हम कट कर लूंगी, आसानी से चटनी पीस जाएगा। और साथ ही 4 से 5 हम लहसुन के कली इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार आप इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच सेल्धा नमक डाल देंगे। सेल्धा नमक से स्वाद बहुत बढ़िया आता है। चटनी को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच दही डाल दूंगी। आप दही के जगह चाहे तो यहाँ पर नींबू के रस 2 बड़ी चम्मच डाल सकती है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देती हूँ, जिससे चटनी आसानी से पीस जाएगी। अब चटनी के मैं पीस लेती, ये लीजिए चटनी भी पीस गई है, एकदम स्मूथ हो गया है, आप देख सकते हैं। लगभग चटनी पीसने में 1/2 कप पानी लग गया है। चटनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार गाढ़ा पतला रख सकते हैं। अब मैं एक ले रही हूँ बॉल, बॉल में सारे चटनी के निकाल लूंगी। अब फिर उसके बाद हम चटनी के ऊपर हम तड़का लगाएंगे, जिससे चटनी और भी देखने में अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चटनी देख सकते हैं, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चटनी तैयार हो गई है। अब हम गैस के ऑन करके मीडियम कर देंगे। इसके ऊपर रखेंगे एक तड़का पैन, तड़का पैन में डालेंगे 1 छोटी चम्मच रिफाइन तेल। तो यहाँ पर कोई भी तेल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तेल के अच्छे से हम गरम होने देंगे। तेल गरम होते ही इसके अंदर 1/2 छोटी चम्मच राई के दाना डालेंगे, साथ ही 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 कश्मीरी लाल मिर्च के हम टुकड़े में हम तोड़ के डाल देंगे। आप यहाँ पर नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हैं। सभी चीजें अच्छे से तड़क गई है। यहाँ 1 चम्मच तड़का डाल करके हम मिक्स कर लेंगे, फिर बाकी के सारे तड़के इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हमारी चटनी कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही चटपटी टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से आप मिनटों में चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये अपम के साथ चटनी बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं हम अपम। अपम बनाने के लिए सबसे पहले 1 बोल हम सूजी लेंगे। तो कोई भी यहाँ पर कटोरा चाहे मेजरमेंट के लिए कप आप सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार सारी चीजें आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर सूजी कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, मोटा चाहे पतला, हमें तो यहाँ ग्राइंडिंग में पीसना है। अब लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार, ग्राइंडिंग जार के अंदर में सूजी के हम डाल देंगे। अब जितना हम रवा लिए है ना, उसी से थोड़ा कम हम दही डालेंगे। अगर आपके दही खट्टी है तो आप यहाँ पर 1/2 बाउल दही डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1/2 बाउल से थोड़ा ज्यादा दही डाल रही हूँ। अब साथ ही डालेंगे यहाँ 1/2 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जिस बाउल से हम दही डाले थे ना, बाउल में थोड़ा दही लगी हुई थी तो उसे अच्छे से हम धो लिए हैं। अब इसे हम फाइन बैटर हम तैयार कर लेंगे, ढक्कन लगा के हम अच्छे से हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारे सूजी के बैटर बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से पीस गई है। अब एक लेंगे बोल, बोल में सारे बैटर के निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरीके के होनी चाहिए, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बैटर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो यहाँ पर ले लिए है इनू फूड सोल्ट। तो 1 पैकेट यहाँ ले लिए है, 1 पैकेट में 1 चम्मच के करीब इनू निकलती है। यहाँ 1 बोल हम रवा लिए थे, उसी के हिसाब से यहाँ 1 पैकेट इनू के हम डाल देंगे। डाल कर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इनू डाले इसे अच्छे से मिला दीजिएगा, इससे क्या होगा जो भी इसमें एयर बबल्स होगा ना से निकल जाएगा, बहुत ही बढ़िया से फूल जाएंगे, बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे अपम बनेंगे बहुत ही फ्लफी,
एकदम जालीदार बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और लचीले बनेंगे। यहाँ बस आपको मिला के दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला है, मीडियम कंसिस्टेंसी के बैटर तैयार हो गई है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर हम पैन गर्म होने के लिए रखेंगे, अब फ्लेम के हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा पैन के गर्म नहीं करेंगे, मीडियम गर्म करेंगे। जैसे पैन गर्म मीडियम हो जाए फिर हम यहाँ पर हम आधी करछी हम बैटर लेंगे, इस तरह से हम डाल देंगे। अब यहाँ आपको खास ध्यान रखना होगा, अपम के बैटर की आपको फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सेट होगा इसमें जाली पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपको हम लगातार दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें से जाली पड़ना शुरू हो गया है। अब फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे और नीचे से पकना शुरू हो गया है। बस इसी तरह से अपम के बना लेना है, बहुत ज़्यादा पैन के गर्म नहीं कीजिएगा। अब फिर जब तक कि इसके ऊपर से लेयर है ना वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए, इसमें जाली परफेक्ट तरीके से आना जाए, आपको एक साइड से कुक कर लेना है। बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों में तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर के लेयर पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और नीचे के साइड से अपम अच्छे से सेक गया है। ऊपर से जब ड्राई हो जाए तो यही पहचान है कि अपम बिल्कुल बढ़िया से सेक गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जाली इसमें आ गया है, जाली आना बहुत जरूरी है, परफेक्ट अपम इसी तरीके से बनता है। यहाँ आपको इंस्टेंट अपम बनाना बता रही हूँ, इसको मैंने सूजी से बनाया है, इंस्टेंट एकदम परफेक्ट सॉफ्ट जालीदार टेस्टी अपम बनकर तैयार हो गया है बिना तेल के। आप देख सकते हैं कितनी जाली इसमें आई है, एकदम परफेक्ट अपम तैयार हो गई है, इंस्टेंट बनाए हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। ये गर्मा गर्म अपम के साथ स्पेशल वाली चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं अपम, आप देख सकते हैं। चलिए आपको दूसरे दिखाती हूँ कैसे बनाया है। मैंने आधा कप इसमें मिश्रण डाले हैं, ये मिश्रण धीरे धीरे सेट होने लगा है, आप चाहे तो इसके ऊपर से कवर कर सकते हैं, उससे जल्द अपम के ऊपर से ड्राई हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर से कितनी बढ़िया से जाली उठना शुरू हो गया है। अब बिगनर्स भी है फिर भी आपकी परफेक्ट अपम तैयार हो जाएगी। आपने देखा होगा इसमें बिल्कुल भी तेल बटर घी के इस्तेमाल नहीं किए है, फिर भी इसमें चिपका नहीं है। यदि आप लोहे के तवा पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तेज गैस पर गर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद 2 से 3 बूंद आप तेल डाल दीजिएगा। जैसे ही तेल गर्म होने लगेगी बस ऑलरेडी तवा गर्म है, उसमें कुछ छींटे पानी के डालिएगा। पानी छिड़कने के बाद में अच्छे से आप पोंछ लीजिएगा। अब बस कुछ भी नहीं करना है, आप गर्मा गर्म लोहे के तवा पर आराम से अपम के बना सकते हैं। यदि आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो उस पर भी बना सकते हैं। कई बार होता है कि नॉन स्टिक तवा हर घरों में नहीं होता है, तो लोहे के तवा पर भी आपको जो तरीका हम बताई हूँ उस तरीके से आप आसानी से गर्मा गर्म अपम के बना सकते हैं। सारी अपम तैयार हो गई है, चटनी के साथ गर्मा गर्म अपम के सर्व कर ली है। और ये लीजिए सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी एकदम जालीदार सॉफ्ट मुंह में घुल जाए बिल्कुल तैयार है इंस्टेंट हमारे अपम, साथ ही नारियल की स्पेशल चटनी। तो अपम के एक साइड से कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आई है, एकदम जालीदार अपम बनी है, आप देख सकते हैं परफेक्ट इसमें जाली आ गई है। आज की कैसी लगी है हमारी रेसिपी हमें जरूर कॉमेंट कीजिएगा। हेल्दी टेस्टी नाश्ता आप जरूर ट्राई कीजिएगा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाहे आप शाम के समय, बिना ऑयल के आपको इतनी टेस्टी लगेगी, आप महीने में 15 से 20 दिन जरूर बनाएंगे, बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए इन्हें हम चटनी के साथ टेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ये चटनी के साथ अपम बहुत ही डिलीशियस खाने में लगता है। तो यहाँ पर चटनी में हम थोड़ा सा हम तड़का लगाने के लिए तेल के इस्तेमाल किए हैं, अब बिल्कुल भी एक बूंद तेल नहीं डाले हैं, बिना तेल के अपम बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनाकर तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।